हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का लक्ष्मी बबीता किचन में। आज मैं लेकर आई हूँ मटर पनीर के पुलाव की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही इजी है। चलिए देख लेते हैं ये कैसे बनता है। इसके लिए मैंने ये 250 ग्राम चावल लिए हैं। इनको अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिया है। इसके ऊपर धूल मिट्टी होती है, इसलिए हमें ये 4-5 बार अच्छी तरह से धो लेने हैं। फिर धोने के बाद मैंने कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए पहले से ही रख दिया था। पानी गर्म हो जाने के बाद हमें ये सारे चावल पानी में डाल देने हैं। पानी में डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 2 छोटा चम्मच ऑयल। इससे क्या है, हमारे चावल अच्छे बनेंगे, खिले खिले, आपस में चिपकेंगे नहीं। और आधा डालेंगे नींबू का रस, इससे भी चावल आपस में चिपकते नहीं हैं, इसलिए नींबू का रस भी आप ज़रूर डालें। इससे खट्टे नहीं होंगे चावल, बस इतना है कि आपस में चिपकेंगे नहीं। ये थोड़ा सा डाल दिया है नमक, जिससे हमारे चावल फीके फीके से ना बने। और इन तीनों चीज़ों को डालकर अब कर देते हैं मिक्स। चला देंगे हल्के हाथ से हम चावलों को। हमने चावलों को पहले भिगोया नहीं था, डायरेक्ट धोकर और ऐसे ही हमने इनको गर्म पानी में उबलने के लिए रख दिया है। चावल हमारे देखिए उबल चुके हैं। इसको मैंने ओवर कुक नहीं किया है, आपको दिख भी रहा होगा वीडियो में। देखिए कितने खिले खिले चावल हमारे ये बन के तैयार हो गए और ये गल भी गए अच्छी तरह से। इनको हल्का सा मैंने 5% के करीब मैंने इनको हल्का सा कच्चा रखा है, जिससे ये हमारे चावल खिले। अभी हमें और फ्राई करना है तो ये पूरी तरह से कुक हो जाएंगे। ये मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। इनको हमें गोल्डन होने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। आलू बहुत अच्छे लगते हैं पुलाव में। और ये ले लिए मैंने 1/2 कटोरी काजू। इनको भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। काजू बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। अब ये फ्राई हो चुके हैं हमारे काजू। इनका हल्का सा कलर चेंज करेंगे और निकाल लेंगे। इनको ज़्यादा हम लाल नहीं करेंगे। ये किशमिश ले लिए हैं 1/2 कटोरी से भी कम। इसको कुछ सेकंड तक भूनेंगे। किशमिश और भी जल्दी भूनते हैं, सबसे जल्दी किशमिश भून जाते हैं। कुछ ही सेकंड भूनने के बाद हम किशमिश को भी निकाल लेंगे। देखिए ये किशमिश हमारे फूल गए सारे अच्छी तरह से। अब अभी इसी टाइम हम इनको निकाल लेंगे। कितना बढ़िया कलर आया है काजू का भी और किशमिश का भी। अब डालेंगे हम, ये मैंने लिए हैं सोयाबीन। ये सोयाबीन को भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। सोयाबीन हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनका कलर चेंज होने तक हमें सोयाबीन को फ्राई करना है। सोयाबीन हमारी हेल्थ के लिए बहुत काफ़ी सारा प्रोटीन होता है इसमें, इसलिए सोयाबीन भी ज़रूर डालें आप पुलाव में। ये ले लिया है 100 ग्राम मैंने पनीर। इसको भी सुनहरा होने तक हम फ्राई करेंगे। इसको भी ज़्यादा हमें लाल नहीं करना है, ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, बस हल्का सा इसका कलर चेंज करना है, गुलाबी सा कलर हो जाए तभी हमें अपना पनीर ये निकाल लेना है। अभी ये हमारा पनीर भी फ्राई हो चुका है, इसको भी हम निकाल लेंगे। सारी चीज़ों को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब ये लिए मैंने कुछ खड़े मसाले, इसमें ये दालचीनी के कुछ टुकड़े, ये 15-20 मैंने काली मिर्च ली है, लौंग ली है, 4 इलायची ली है, 2 तेज पत्ता लिए हैं। सारे मसालों को हम लो फ्लेम पे भून लेंगे। गैस का फ्लेम ज़्यादा तेज नहीं रखेंगे। ये हमने इनको भून लिया है अच्छी तरह। ये सारे चीज़ सोयाबीन, आलू, ये सब चीज़ों को भी भून लिया है। ये एक मैंने बड़ा प्याज लिया है, इसको लंबा लंबा स्लाइस में मैंने कट कर लिया है। अब इसको भी हम सुनहरा होने तक भूनेंगे। इसको भी ज़्यादा काला नहीं करना है, नहीं तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा पुलाव का। तो इसको भी डाल दिया। और ये मैंने अदरक का लिया है, 1-1.5 इंच का टुकड़ा। इसको भी लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिया है। ये 4 मिर्ची ली थी हरी, इनको भी लंबा लंबा कट करके फ्राई कर लेंगे डाल के हम इसमें। ये सारी चीज़ों को हमें सुनहरा होने तक भूनना है। ये लिया है मैंने 1 बाउल फ्रोजन मटर। आप फ्रेश मटर भी ले सकते हैं, अभी इसी टाइम पर फ्रेश मटर तो नहीं मिल रही है, ये फ्रोजन मटर ली है। इसको भी मसालों के साथ हमें भूनना है, जिससे मसालों का फ्लेवर भी आ जाएगा मटर में और ये भून भी जाएगी। अब डालेंगे इसमें कुछ मसाले। ये 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच लिया है ये मैंने बिरयानी मसाला। आपके पास बिरयानी मसाला ना हो तो आप इसकी जगह गर्म मसाला ऐड कर सकते हैं। अभी इन सारी चीज़ों को मसालों के साथ
भून लेंगे अच्छी तरह से कुछ सेकंड्स के लिए। और गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। ये नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, नमक ध्यान से डालें क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला था चावलों में, इसलिए नमक हमें बहुत ध्यान से डालना है। ज़्यादा नमक हो गया तो सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब ये हमारे ये मसाले भुन चुके हैं, अब इसमें हम अपने ये चावल डाल देंगे, ये सारे चावलों को डाल देंगे इसमें। ये चावल देखिए काफ़ी खिले खिले बने हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं ये चावल। अब सारे चावलों को डाल के अच्छी तरह मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और पसंद आए वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। तो अब देखिए ये हमारे चावल भी इसमें डल चुके हैं। चावलों को ये मैं किसी कपड़े से पकड़ के कढ़ाई को, और हल्के हाथ से हमें चावलों को चलाना है, हमें ज़्यादा भर के ये पर्ची नहीं चलानी, नहीं तो चावल हमारे टूट जाएंगे। और जो हमने ये सारी चीज़ें फ्राई की थी, सोयाबीन, आलू, पनीर, काजू, किशमिश, इस सारी चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे और चावलों के साथ में मिक्स कर देंगे। अब हल्के हाथ से, ये आपको सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है, हमें हल्के हाथ से इसको मिलाना है, इसको ज़्यादा हार्ड हाथ से नहीं मिलाना, जिससे हमारे चावल टूट जाएंगे और पुलाव देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और ये पुलाव खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, जब कभी खाना खा के बोर हो जाते हैं, रोटी खाने का मन नहीं करता है, तो आप ये पुलाव बनाइए। ये बच्चों को आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं और ऑफिस के लिए भी दे सकते हैं, और कोई मेहमान आ जाए तब भी बना सकते हैं आप इसे अपनी मनपसंद। अब ये एक चम्मच डालेंगे हम देसी घी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहे तो ये पूरा पुलाव भी देसी घी में बना सकते हैं, लेकिन देसी घी हर किसी के पास तो नहीं होता, तो इसलिए ये हमने सरसों के तेल में बनाया। अब इसमें डाल दिया ये हमने धनिए की पत्तियाँ डाल के अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया पुलाव लग रहा है, खिला खिला एकदम, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। हमारा पुलाव बन के तैयार हो गया एकदम खिला खिला, इसे आप रायते के साथ सर्व कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।